गल करन जा रहे हैं कनेडा दे जिथे कि अगले महीने तो रेन टैक्स लागू हो जा रहा है। बिल्कुल सही सुनिया तुसी, उतों दी सरकार ने ऐलान किया है कि पिछले कुछ सालों दे विच टोरंटो समेत लगभग सारे कनेडा विच स्टॉर्म वाटर प्रबंधन की एक वड्डी समस्या है। इस कारण लोगों के रोजाना के काम भी प्रभावित हुए हैं। सरकार ने फैसला आम नागरिकों नूं लगातार हो रही मुश्किलों के मद्देनज़र लिया। लोगों दीआं वध रही मुश्किलों के मद्देनज़र सरकार के वलों स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है। इस सिस्टम के राही इकट्ठे हुए वाधू पानी नूं बाहर कढ़िया जाएगा। दस दी कि कनेडा दे विच बरसात के दिनों विच भारी मीह कारण काफ़ी मुश्किल आउंदियां ने। इन्ना ही नहीं, सर्दियों के बर्फ पिघलन के कारण हर पास पानी फैल जाता है। शहरों के घरां तो लैके सड़कां तक हर चीज़ कंक्रीट सीमेंट की बनी हुई है। अजिहे स्थिति में पानी जल्दी सुकदा नहीं है। ये पानी बाद दे विच उबल के सड़कां ते वहन लग जाता है। दस दी कि जिस कारण सड़कां ते नालियां भी जाम हो लग जाती ने, समस्या काफ़ी बढ़ जाती है। बरसात के दिनों के मामला होर गंभीर हो जाता है क्योंकि नालियां राही पानी घर तक पुजना शुरू हो जाता है। इस कारण कई गंभीर बीमारियां होने का खतरा बनिया रहता है। रन ऑफ की समस्या नाल नजिठण दे लई टोरंटो प्रशासन ने स्टॉर्म वाटर चार्ज और वाटर सर्विस चार्ज कंसलेशन के नाल गलबात की है। दस्या यह भी जा रहा है कि सरकार रिहायशी इमारतों के नाल नाल दफ्तर होटलों आदि के भी नियम लागू कर सकती है। सरकार के वलों ये नियम लागू किए जाने तो बाद ही आम नागरिकों में नाराजगी काफ़ी बढ़ गई है। इस वेले भी टोरंटो के लोग पानी का टैक्स अदा करते हैं। दस दी कि अजिहे च स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट का नवा खर्चा उन्हां दे लई असहय हुंदा जा रहा है। मनिया भी जा रहा है कि नवे नियम के लागू होने के नाल तूफान वाले खेत्र के विच आने वाले लोगों के खर्चे होर ज़्यादा वधणगे। इस तों इलावा संघनी आबादी वाले इलाकों के लोगों पर भी बोझ पवेगा क्योंकि इत्थे जगह घट होने के कारण पानी जल्दी सुकदा नहीं है।